ईगल। प्रकृति रोज सिखाती है, इफ यू वांट टू बिकम ईगल आपको जलना पड़े। 70 साल औसतन उम्र होती है, 70 साल ईगल को उम्र होता है। लेकिन इसी कहानी का ट्विस्ट क्या है, और वो ये है कि 40 साल जब ये हो जाता है तो इसकी जो चोंच है ये बेंड हो जाती है, आगे से सॉफ्ट हो जाती है, शिकार नहीं कर पाता। व्हेन ही रीच 40 इसकी चोंच बेंड हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, शिकार कर करके शिकार नहीं कर पाता। इसके जो पंख है जिससे उड़ता है वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, इसको उड़ने में तकलीफ होती है। इसके जो पैर हैं जिससे झपटा मारता है वो नाखून टेढ़े हो जाते हैं, कर करके 40 साल। अब इसके पास चॉइस है कि 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि उड़ सकता नहीं, शिकार कर नहीं सकता, पंख भारी हो गए, उड़ना दिक्कत, शिकार पकड़ नहीं सकता क्योंकि पैर के नाखून खराब हो गए, और पकड़ मिले तो चोंच से उसको मार नहीं सकता। अब इसके पास चॉइस है 40 साल में क्या वो मर जाए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रकृति सिखाती है कि ईगल ऐसा नहीं करता। 40 साल की उम्र में ईगल अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर चला जाता है, और जो चोंच है उसको सामने वाले पत्थर पर मारना चालू करता है। जब चोंच पत्थर पर मारी जाती है तो पीड़ा होती होगी, और वो पीड़ा सहता है, मार मार के पत्थर पे, मार मार के खून निकलता है, लहू लुहान हो जाता है, दर्द से मर रहा होता है, लेकिन मारता रहता है और चोंच को तोड़ देता है। इसलिए तोड़ता है कि प्रकृति नहीं देगी, लेकिन वो जो तोड़ने का प्रोसेस है वो पीड़ा का है। सेम कहानी है, जो पैर के नाखून रहते हैं उसको रगड़ता है शिला के ऊपर, रगड़ रगड़ के तोड़ देता है उसको। कितना पेनफुल रहता होगा यार। लेकिन हर ईगल की जिंदगी में ऐसा दिन आता है 40 साल, जैसी चोंच निकलती है कहानियां खत्म नहीं होती, नई चोंच आती है, फिर वो उस चोंच से अपने परों को तोड़ता है, अपने जिस्म से अपने ही पर उखाड़ता है, क्योंकि वो पर उसके उड़ने के लायक नहीं रहे। भयंकर पीड़ा होती होगी, भयंकर। लेकिन इस प्रोसेस से हर ईगल गुजरता है अपनी जिंदगी में, और 40 साल के इस प्रोसेस में 6 महीने के बाद वो एक नया ईगल होके 30 साल और जीता है सर। तो आहुति तो देनी पड़ेगी, आज कल परसों, चॉइस आपकी है। मैं फिर कहता हूं, आज कंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी अनकंफर्टेबल होगी, आज अनकंफर्टेबल हो जाएंगे तो जिंदगी